देख रहे हैं वॉइस ऑफ भारत और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कटरा से आ रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट पर्वत के साथ लगती पहाड़ियों पर आग वन संपदा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पे बुरी तरीके से आग लगी है। आपको बता दें कि चित्रकूट पर्वत के साथ लगती जो पहाड़ियां हैं जिस पर हेलीपैड है उसके पीछे की पहाड़ियों पर भीषण आग देखने को मिल रहा है। ये मंजर काफी भयावह है। इसके साथ हमारे संवाददाता सीधे जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। विनीत बताइए कि वहाँ पे आग किस तरीके से लगी। ये आग जो मैं आपको स्वीटी की बता दूं, ये आग पिछले शनिवार से लगी है और ये भीषण आग हर साल गर्मियों में पहला वाक्य नहीं है। ये हर साल गर्मियों में जब भी जो ही गर्मियों का मौसम आता है तब वहां पर ये आग हमेशा लगती है और जिस वजह से जो कि दो रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता है हाथी मत्थे वाला रास्ता जो है हाथी माथा वाला, वो रास्ता इस टाइम खोला हुआ है और जो बैटरी कार वाला नया रास्ता बना था वो इस टाइम परिजनों के लिए बंद किया गया है। आग लगने से क्या किसी की हताहत होने की खबर सामने आई है? नहीं, हताहत होने की कोई खबर नहीं है क्योंकि ये जो मैं बता दूं जो जहाँ पे ये हेलीकॉप्टर उतरता है यानी कि हेलीपैड जहाँ पे है उसके पीछे पहाड़ी है, उस पहाड़ी में भीषण आग लगने की वजह से जो धुआं वगैरह बहुत ज्यादा प्रदूषण जो धुआं वहां पे बहुत ज्यादा फैल गया था उसकी वजह से जो रास्ता है वो परिजनों के लिए बंद किया गया था, जो बैटरी कार वाला रास्ता है। तो आज इन्होंने क्या किया है कि आज ही बैटरी कार वाला रास्ता बंद किया है और अब जो पुराना रास्ता है वो वहां से खोला गया है परिजनों के लिए दर्शन करने के। आग को बुझाने का प्रयास किस तरीके से हो रहा है? जी, वन विभाग वहां पर पहुंचा हुआ है और पिछले शनिवार से वन विभाग वहां पर काम कर रहा है, फायर ब्रिगेड भी वहां पर है और किसी तरीके से उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं ये भी बता दूं कि जो वन हमारा जो वन है वो बहुत ज्यादा दस्तखत हो चुका है आग की भीषण आग की वजह से। यात्रियों पे इसका क्या असर पड़ा है? जी, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यात्रा पूरे तरीके से चल रही थी, यात्रा चलने के अचानक जब भीषण आग देखी गई उस वजह से उस टाइम उन्होंने यात्रा को रोक दिया था क्योंकि बैटरी कार वाला रास्ता भी खुला हुआ था और दूसरा रास्ता भी खुला हुआ था ट्रैक वाला। मगर जब उन्होंने भीषण आग देखी वन विभाग वहां पे पहुंचा, वहां पर पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था और किसी तरीके से उस आग को रोकने की कोशिश की जा रही थी, बट अभी तक वो आग कम नहीं हुई है, भीषण आग अभी भी लगी हुई है जिसकी वजह से यात्रा पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और यात्रा जो कटरा, मैं बता दूं माता वैष्णो देवी ट्रैक और कटरा में बहुत 28 किलोमीटर की दूरी है और 28 किलोमीटर में वहां पर जो आप कटरा में लोग जो बैटरी कार से नहीं जाना चाहते थे उस वजह से यात्रा में बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस जानकारी के लिए। साथ ही इस खबर पर नज़र बनाए रखें तो आपको हम बता रहे हैं कटरा में भयानक रूप से आग लग चुकी है जिसके कारण यात्री दर्शन नहीं कर पा रहे हैं और देखना होगा प्रशासन इस पे क्या एक्शन लेता है।